नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं कटहल का अचार बनाऊंगी। फिर चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। ये हम कटहल लिए हैं, इसको हम काट लिए हैं, देखिए टुकड़े टुकड़े में। इसको अब हम उबालेंगे। हम ये कुकर में डालेंगे, इसमें हम एक ग्लास पानी डालेंगे। अब हम कुकर इंडक्शन पे रख दिए हैं, एक सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे कटहल को। चलिए अब इसको बंद कर देते हैं और इसको नीचे उतार लेते हैं। एक सीटी बोल चुकी है, ये देखिए पक चुका है। अब इसमें हम ये छन्नी में हम इसको रखेंगे और नीचे पानी गिरने के लिए हम थाली रखे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम छत पे आ गए हैं। ये देखिए इतना पका है हमारा। अब इसको हम सुखा लेते हैं, इसका पानी अच्छे से सूख जाएगा तब हम इसको मसाला लगाएंगे, इसमें नीचे ले चलेंगे, दो तीन घंटे के लिए डाल देते हैं। ये देखिए तीन चार घंटे अच्छे से सूख गया है। अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। ये हम अचार में सबसे पहले ये गरम मसाला डालेंगे, अचार वाला मसाला है ये। नमक, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च, कलौंजी। अब हम इसमें तेल डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। और हल्दी, इसको खूब अच्छे से मिला देना है। अगर दोस्तों आपके पास सिरका है तो दो चम्मच सिरका भी डाल दीजिए, स्वाद और बढ़ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो अमचूर पाउडर डाले हैं, उतने में खूब बढ़िया खट्टा रहेगा। ये देखिए हम सिरका थोड़ा सा डाल दिए हैं। ये देखिए अचार कटहल का बनके तैयार हो गया है। फिर आप लोग भी बनाइए और घर में सबको खिलाइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने धन्यवाद। बाय बाय।